टी20 में भारत की जो जीत हुई है वो बड़ी जीत है, विश्व कप है अब तो बड़ी जीत है, उत्साह बड़ा है, सम्मान जो अर्जित हुआ वो बहुत बड़ा है ना, एक जो खुशी है वो जो इक्टासी है वो जो मैडनेस है वो देखते ही बनता है। लेकिन इस जीत में एक और बहुत एक आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस जीत में सनातन आपको दिखेगा, वो झलकेगा उनके अप्रोच में, उनकी आंसुओं में, उनके रिएक्शंस में, है ना, उनके उन चीज़ों में जो वो जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, मतलब आप जीत होता है तो लोग उछलते हैं कूदते हैं, है ना। एक विदेशी ने तो अपने पुरस्कार पे उस मेडल पे उस पैर रख दिया था यहाँ उसको उसके साथ जी रहे हैं लोग बहुत, मतलब और भी थोड़ी सी बात करेंगे हम क्रिकेट एज ए प्ले, क्रिकेट के अंदर में जाकर वो इतना रन बनाए, वो ऐसे हार रहा था, वो ऐसे जीत रहा था, उसने एक मैच भी नहीं हारे और वो पनौती था और दिस था दैट था, इस बार वो पनौती नहीं था, इस बार वो नहीं, ये सब बात मैं नहीं करने आया। मैं करने आया हूँ कि जाने अनजाने में ये जो वर्तमान की जो जीत है, अभी की जो जीत है, जो ICC इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो जीत है जिसमें भारत विश्व कप जीत के आया है T20 में, उसमें भारतीयता है भाई, वो सनातन है। 11 के 11 प्लेयर के नाम देखेंगे तो लोग कह रहे हैं ये होना चाहिए भारत की टीम। नाम क्या है उनके जो 11 प्लेयर जिन्होंने अभी खेले इस टीम में? रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, है ना, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, है ना, है ना, नाम देखिए ना लोगों के, सनातनियों के, और इनका व्यवहार देखिए ना, आए आनंद आ गया। और इस जीत में ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से जीतों सेलिब्रेट किया है, और पाकिस्तान के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं भाई मेरे को बहुत पसंद है, ओ भैया वो जो धोता है और सही बात बोल देता है भाई साहब, वो सबको भी सुनते रहना चाहिए। इंडिया अनबीटेबल जो है वो फाइनल में पहुंच गई। आई लव यू, आई लव यू, लव यू भाई। यार यकीन कर ले मेरा दिल कह रहा है कि मैं डांस करूं। टीम इंडिया बस कर रहे, बस कर रहे यार। तो भाई फिरंगियों ने चुराया कोहिनूर, हाय हाय, और हमने लूट ली उनकी इज्जत। के बदले लेने के लिए उतरे थे वर्ल्ड कप के अंदर और बदले पे बदला लेते जा रहे, सबका बदला लिया, खुद का, छोटे भाई का, सबका। देखे कोई भी नहीं सामने टिक पा रहा, पाकिस्तान से बदला लिया, ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, आज इंग्लैंड को पछाड़ के बाहर कर दिया। अल्लाह ताला शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा। शर्मा जी ने खटिया खड़ी कर दी इंग्लैंड की, जब 50 होने वाली थी ना भाई, तो मैं इधर बैठकर शर्मा जी से दुआएं कर रहा था, शर्मा जी भाग लो 50 पूरी करो, शर्मा जी बोले ना मैं तो छक्का मारूंगा। क्या आसमानी छक्के मारे हैं भाई इंग्लैंड के छक्कों के सामने। इंडिया जीत गया, लेकिन कुदरत ने रोहित शर्मा को ज्यादा इज्जत से बख्शना था, ज्यादा इज्जत देनी थी, तो रोहित ये फाइनल जीतेगा। और इंडिया ने जो फेंटा लगाया पकड़ के इंग्लैंडियों का, घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंग्लैंड का, आप वसीम अकरम की बात कर लो। आज क्या हुआ, यही हुआ, पहले जडेजा आ गया, पांडे आ गया, फिर जडेजा आ गया, ऐसा ही हुआ ना, फिर दुबे आ गया, लेकिन कर कुछ नहीं सका। अक्षर ने भी 6 बॉलों में 9-10 रन बनाए, आज जडेजा ने बड़े अच्छे कीमती रन बनाए। कुछ लोगों के मिर्चे लग रही थी कि यार वो 171 रन बने, ये तो मैच इंग्लैंड जीत गया। इंडिया अब
अपना बदला जो है वो जारी रखे हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया और आज इंग्लैंड से। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आउट होने के बाद मैंने भी सपोर्ट किया इंडिया को। अच्छा। और अब इंडिया ने जो अपनी रिवेंज कैंपेन जारी रखी है ना भाई, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धक्के मार के हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। अब इन्होंने इंग्लैंड को, जिन्होंने 2021 में इनको 10 विकेटों से हराया है, उनको भी इन्होंने अब इन्होंने बाहर कर दिया। यानी कि इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को। यार यकीन कर ले, मेरा दिल कह रहा है मैं डांस करूं। टीम इंडिया भाई, मैं कहता छा गई है यार, यकीन। ओए यार इतनी खुशी है ना, यकीन कर लो भाई। विराट कोहली अपना फेवरेट प्लेयर, भाई रोहित शर्मा आए हाय हाय छक्के मार मार के बॉलरों को ऐसा धोया, ऐसा धोया, यकीन कर। ओए हाय हाय यार, मेरा इंटरव्यू देने को दिल नहीं कर रहा, यकीन कर ले। सेलिब्रेशन यार, मैं कहता सेलिब्रेशन टक 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 भाई, यार छा गए भाई। मैं कहता किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, रेसी टोपली, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ओ बड़े बड़े का करियर खत्म हो गया भाई। यार रोहित शर्मा को, सारे रोहित शर्मा को बोल रहे हैं कि यार साडा करियर तबाह करता तू। पहले जायसवाल का करियर, जायसवाल ने करियर तबाह किया एंडरसन का, रोहित ने पूरी इंग्लैंड का करियर खत्म कर दिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया का करियर खत्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर, इंग्लैंड भी बाहर। ओ चकदे पट्टे इंडिया, अच्छा गई भाई। यार बहुत थॉरली, बड़े दिन के बाद चलते फिरते देखता हूँ, मैंने नजरें जमा के मैच देखा और मेरे दिल में बस ये था कि देखो यार, अगर अनोनी होगी किसी की सुप्रीम नॉक एक्स्ट्रा पावर तो फिर तो कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर इंडिया ने 150 कर दिया इस विकेट पे तो इनके माइकल लाल क्रिकेटिंग टर्म्स में ये मैच नहीं जीत सकता। भले वो 103 भी नहीं बना इनसे, भले वो घंटे के किंग का ला लो। अच्छा पूरा देखो 10 विकेटों की हार, वो भुवनेश्वर कुमार, अब जो दिया अक्षर पटेल ने घुमा के, ये तो आखिर में पांड्या अगर चैरिटी के रन ना देता तो इनके 100 भी ना होते। मैं सच बात बता, बोला था ना शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा वो भी। ये तो और अच्छा ये बात हम एक्चुअली वो नैरेटिव है कि पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, मुसलमानों का देश है वो, अपने को मानता है, लेकिन वो भारत भी हिंदुओं का देश नहीं है ना। वो मुसलमानों का देश क्यों है भाई? क्योंकि भारत की एक तिहाई जमीन बटी और वो पाकिस्तान बना, वहां भी तभी थे जैसे भारत में थे, उसने रहने नहीं दिया। नोचो खदीटो पटको, मंदिर तोड़ो, गुरुद्वारे तोड़ो, चर्चे जलाओ, वहां की स्त्रियों को खींचो। बाप ठीक है, मान लीजिए कि आज जिनोसाइड हो गया ना, अभी 3.5 करोड़ की आबादी होनी चाहिए थी वहाँ हिंदुओं की, जो प्रतिशत था बंटवारे के बाद में, कुछ लाख रह गए तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया। खैर तो वहाँ जो क्रिकेट को लेकर भी भयानक बात है, लोग समझते भारत, हमने तो बहुत खुल कर किया भैया, वो इसीलिए भारत की दुश्मनी करते हैं कि वो हिंदू है और मुसलमान जो है वो उनकी नज़र में ही सब कुछ है, तो इसीलिए वो मुखी खाते हैं। जीतते हैं तो सलाम की जीत हो जाती है, हारते हैं तो किसी हार होती है भाई। तो बहुत आनंद आ रहा है अभी वो जो कुछ कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में और भारत के अंदर भी, जो बहुत सारे जो दबे हैं छिपे हैं, भैया सो गए हैं, मेढक की तरह हाइबरनेशन में चले गए हैं भैया, अभी नहीं उठना है, अभी कैसे खुशी जाहिर कर दो भाई, भारत जीत गया है। नहीं, उनकी नज़र में हिंदू जीत गया है, सनातन ही जीत गया है, ये बात। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो ज्वाइंट बटन को क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए और इस मिट्टी को जो आपकी है माथे से लगाइए। रोहित शर्मा ने वो जो वायरल हो रहा है ना उसका एक वीडियो, वहाँ की मिट्टी को मुंह में ले रहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट है। जनरली वो टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं लॉन टेनिस के, वो जब जीत हासिल करते हैं तो वो टेनिस कोर्ट की घास को मुंह में लेते हैं, अब वो एक है, एक ट्रेडिशन बन गया हुआ वहाँ। लेकिन सनातन की मिट्टी तो है, माता है, उसी की तो पूजा करते हैं हम। तो इसका जो रोहित शर्मा का जो एक अप्रोच है ज़बरदस्त है भाई, जो ऐसे मैं नहीं बोलता लेकिन इस पर
ट्विटर पे तो और भी सोशल मीडिया पे देखेंगे राहुल द्रविड़ कोच है ना, उसको एक हिंदू अटायर में दिखाएंगे, मंदिर जाते हुए राहुल रोहित शर्मा को दिखाएंगे, और प्लेयरों को दिखाएंगे, उनके इंटरेक्शन दिखाएंगे, बच्चे को गोद मिली दिखाएंगे, वो टोटलिटी में लोग ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि ये सनातन भारत है और ये क्रिकेट की टीम सनातन भारतीय टीम है जो पूरी तरह से दिखी और विजय हुई। मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो दिखा रहे हैं उसको हासिल करना है, जो दिखा रहे हैं उसको हासिल करना है, ठीक है, मतलब व्यवहार में, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में सनातन को सर्वोपरि करना है। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानान्ते मे रंगस्य।